A very good morning to class 3. Today I will start new chapter, chapter number 3, plant the seed in the soil. Soil का मतलब होता है मिट्टी, seed का मतलब होता है बीज और plant का मतलब लगाना, मिट्टी के अंदर बीज को लगाना, मिट्टी में बीज लगाना. It makes you healthy, यह तुम्हें healthy बनाएगा, बनाता है. It gives you energy, यह तुम्हें energy देता है. An apple or a guava, an orange or a papaya. यहाँ पे examples के लिए कुछ fruits के name दिए हुए हैं, लेकिन कहा किसके लिए गया है, यहाँ पे fruits के लिए कहा गया है कि अगर एक apple, एक guava या एक orange और एक banana अगर एक पपाया अगर आप खाओगे तो ये आपको क्या बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे और आपको एनर्जी देंगे. तो यहाँ पे स्पेशली इन फोर फ्रूट्स का के लिए ही नहीं कहा गया है, यहाँ पे बात हो रही है फ्रूट्स खाने की. मतलब अगर आप फ्रूट्स खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी और इसके अलावा आप हेल्दी रहोगे. ईट अ फ्रूट एवरी डे, एक फ्रूट प्रतिदिन, यानी एवरी डे का मतलब हर दिन एक फ्रूट खाइए. बट डोंट थ्रू द सीड्स अवे, लेकिन क्या करना नहीं चाहिए, थ्रू का मतलब फेंकना, लेकिन उस सीड को यानी बीज को फेंकना नहीं चाहिए. जो फ्रूट्स में से जो बीज निकलते हैं, जो सीड्स निकलते हैं, उनको क्या है, फेंकना नहीं चाहिए. फ्रूट्स तो खाइए, लेकिन अगर जिस भी फ्रूट्स में से अगर कुछ भी, जिस जरूरी है सारे फ्रूट्स में भी सीड्स निकले, लेकिन जिस भी फ्रूट में अगर सीड्स हो तो आपको उसको फेंकना नहीं चाहिए. Here is a simple things you can do. यहाँ पर आप एक simple thing का मतलब एक simple चीज कर सकते हो. You could tell all your friends too. और ये चीज आप अपने friends को भी बता सकते हो. Plant the seed in the soil. मिट्टी में बीज को लगाकर. It doesn't take much time or toil. इसको करने में आपका ना तो ज्यादा time लगेगा. मच टाइम का मतलब टेक का मतलब लगना, ना तो आपके पास आपका ज्यादा टाइम लगेगा, और टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, और ना ही आपकी वो ज्यादा मेहनत करनी होगी. ठीक है, ना तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को करने में. किस चीज को करने में, मिट्टी में सीड को लगाने में. ना तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ना आपको ज्यादा टाइम लगेगा. प्योर अ लिटिल वाटर देयर, और उसमें कुछ थोड़ा सा पानी डालकर. A young shoot will soon appear. जल्दी से एक क्या होगी, शूट निकल कर आप बाहर आएगी जो आपको दिखाई देगी. शूट का मतलब आपको पता है, सीड्स जब सीड लगा आप डालोगे मिट्टी में, फिर पानी दोगे, तो वो छोटा सा जो तना जैसा निकल के आता है ना किसी भी प्लांट का, ठीक है, वो होती है शूट. जो बेबी मतलब वो शूट, तना तो मोटा होता है, एकदम छोटी सी ग्रीन कलर की कुछ भी ग्रीन या ब्राउन जो निकल कर आती है, ग्रीन ही आती है, ठीक है, ग्रीन कलर की जो नीचे रूट्स होती है. और अगर कोई प्लांट आपको पता है, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट निकल कर आता है तो वो क्या होती है, शूट होती है. इन टाइम इट विल बिकम अ बिग ट्री, और कुछ टाइम बाद ये क्या है, एक बड़ा ट्री बन जाएगा. विच गिव सो मच टू यू एंड मी, जो गिव्स का मतलब होता है देना, जो तुम्हें और मुझे बहुत कुछ देगा. दिस वे देयर विल बी फॉरेस्ट अगेन, और इस तरीके से बहुत सारे, देयर विल बी फॉरेस्ट अगेन, वापस से बहुत से क्या हो जाएंगे, वापस, अगेन का मतलब वापस, फॉरेस्ट यानी जंगल हो जाएंगे. इस तरीके से ग्रीन एंड क्लीन आवर अर्थ विल रिमेन, और हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन और क्लीन मतलब साफ और हरी हो जाएगी हमारी, वापस से हमारी जो अर्थ है वो हरी और क्लीन हो जाएगी. ग्रो ट्रीज दिस इजी वे, इस इजी तरीके से, यानी इस इजी तरीके से ट्रीज को उगाकर. एंड इट्स फन टू आई से, और मैं कहती हूँ इस काम में बहुत ही बहुत मजा भी है. सो ईट अ फ्रूट एवरी डे, तो हर दिन फ्रूट खाना खाइए. बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखिए, डोंट थ्रो द सीड्स अवे, लेकिन वो सीड्स को, जो फ्रूट्स में से जो सीड निकलता है उसको मत फेंकिए. फ्रूट आप डेली खाइए, एक फ्रूट डेली खाइए, लेकिन उसमें से जो सीड निकलता है उसको आप मत फेंकिए. उसको क्या करिए, आप उसको मिट्टी में लगाकर उसको प्लांट बनाइए, उसमें पानी डालिए, ठीक है. इस तरीके से हमारी अर्थ भी क्लीन होगी, वो भी ग्रीन होगी, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है चारों ओर का वो भी प्योर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट मेक अस हेल्दी, कौन हमें हेल्दी बनाता है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा यहाँ पे फ्रूट्स, फ्रूट्स मेक अस हेल्दी, हमें हेल्दी कौन बनाते हैं, फ्रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रूट गिव अस, फ्रूट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, पैसेज का लास्ट सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है, ठीक है, एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। थर्ड है, वी शुड ईट अ फ्रूट एवरी डे, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको इसमें कि हमें हर दिन फ्रूट खाना चाहिए, तो यस खाना चाहिए, तो ट्रू है, ठीक है, राइट है, ट्रू पे टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी नॉट थ्रो अवे, क्या चीज नहीं फेंकनी चाहिए, सीड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दी स्टैंजा विच इज द अपोजिट ऑफ टेक, टेक का अपोजिट क्या होगा, टेक का अपोजिट होगा गेव, ठीक है, जी ए वी ई गेव, टेक टेक का ओवर गेव, गेव सेकेंड फॉर्म हो जाती है, आपको फॉर्म का भी नहीं पता है, टुक का होगा गेव, तो आपको टेक का लिखना है गेव, जी आई वी ई गेव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है उसकी हेल्प से हमें इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द टू वेज इन विच फ्रूट्स बेनिफिट अस आर, ऐसे दो तरीके जिससे हमें क्या है, फ्रूट्स हमें हेल्प, मतलब जिसमें ऐसे दो तरीके आपको बताने हैं जो जिसके जिससे फ्रूट से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा दे मेक अस हेल्दी, दे मेक अस हेल्दी, सेकेंड में आएगा दे गिव अस एनर्जी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है अ यंग प्लांट विल अपीयर इफ वी, एक यंग प्लांट निकल कर आएगा, हमें दिखाई देगा अगर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, कब हमें यंग प्लांट नजर आएगा, सीड प्लांट नजर आएगा, तो फर्स्ट में आप लिखोगे प्लांट अ सीड इन द सॉइल, यानी सॉइल में प्लांट को लगा, बीज को लगाकर, सेकेंड में लिखोगे एंड वॉटर इट, और इसमें क्या आएगा, वॉटर इट, पहले तो मिट्टी में सीड लगाएंगे और फिर उसको पानी देंगे, उसके बाद ही तो यंग प्लांट निकल कर आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इफ वी ग्रो अ लॉट ऑफ ट्रीज, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे वी विल हैव, तो क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है डेंस फॉरेस्ट, तो क्या बनेगा, फॉरेस्ट बनेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल, जंगल वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, वी कैन मेक द अर्थ ग्रीन बाय, वी कैन मतलब कैन का मतलब सपना, वी मेक द अर्थ, हम कैसे अर्थ को बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ग्रीन, किस तरीके से हम अर्थ को ग्रीन बना सकते हैं, बाय यहाँ पे आएगा प्लांटिंग द सीड्स ऑफ द फ्रूट दैट वी ईट, यानी जो हम ऐसे फ्रूट, जो अगर कोई भी फ्रूट हम खाएंगे और उसके बीज को अगर हम प्लांट करेंगे, यानी उसको प्लांट का मतलब उसको लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम अर्थ को क्या कर सके, ग्रीन कर सकेंगे, सीड लगाएंगे, सीड लगाने के बाद वो प्लांट बनेगा, प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, फिर ऐसे इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट है व्हाट गिव अस एनर्जी, व्हाट गिव अस एनर्जी, कौन हमें एनर्जी देता है, यहाँ पे आएगा इसका आंसर, क्या कौन देता है, फ्रूट्स, फ्रूट्स गिव अस एनर्जी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वेयर शुड वी प्लांट दी सीड, वेयर शुड वी प्लांट दी सीड, हमें मतलब हम प्लांट हमें कहाँ करना चाहिए, वेयर शुड वी प्लांट द सीड, कहाँ करना चाहिए हमें मतलब सीड को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, मिट्टी में ना, सॉइल में, तो वी शुड प्लांट द सीड इन द सॉइल, कहाँ लगाना चाहिए, मिट्टी में। थर्ड है व्हाट इज अ फन टू, किसमें आप मजा है, किसको करने में मजा है, प्लांट्स लगाने में मजा है ना, ग्रो ट्रीज दिस इजी वे, यानी प्लांट्स को लगाने में बहुत ज्यादा मजा है, प्लांट्स या ट्रीज कुछ भी कह सकते हैं, ओके। सो ईच स्टूडेंट डू, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस 1, 2, 3, मैं सेंड कर दूंगी आपको इनके आंसर्स, ओके स्टूडेंट्स। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज, क्वेश्चंस ऑफ पैसेज, एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर कॉपी, थैंक यू।